क्लासेस में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 9 सोल, जिसका कि 9.6 टॉपिक तक हम लोग अच्छे तरह से कंप्लीट हो चुका था। इस वीडियो में हम लोग 9.7 सोल एंड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को तुरंत स्टार्ट करते हैं। सोइल एंड क्रॉप, सोइल मतलब हो गया मिट्टी और क्रॉप्स, क्रॉप्स मतलब हो गया फसल। तो इस वीडियो में हम लोग सोइल और क्रॉप्स ये दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का सोइल होता है, मतलब कहीं पर लोमी सोइल होता है, कहीं पर क्ले सोइल होता है, कहीं पर सैंडी सोइल होता है। तो इस तरह से जितना भी अलग अलग पार्ट होता है इंडिया का, उसमें अलग अलग तरह का सोइल पाया जाता है। सोइल इज अफेक्टेड बाय वाइंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। सोइल को अफेक्ट करने वाला फैक्टर होता है वो है हम लोग का वाइंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट और ह्यूमिडिटी, मतलब ये सारे फैक्टर से सोइल जो होता है वो उस पर बहुत ही बड़ा प्रभाव आता है, उसमें बहुत ही ज्यादा बदलाव आता है इन सारे कारणों से। आगे देखते हैं सोइल का टाइप्स, इसको हम बहुत ही समरी जैसा बताने का ट्राई किए ताकि आप लोगों को तुरंत याद भी हो जाए। तो ये है हम लोग का सोइल का टाइप्स और ये है हम लोग का क्रॉप जो कि इस सोइल से होता है। तो अगर हम लोग को व्हीट और को अगर उगाना हो या इसका क्रॉपिंग करना हो तो हम लोग को उसमें क्ले और लोमी सोइल का जरूरत होगा जो कि बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है। अगर हम लोग को पैडी, मतलब अगर हम लोग को पैडी उगाना हो तो हम लोग को उसके लिए क्ले सोइल का जरूरत होगा। अगर हम लोग को लेंटिल्स, मसूर, मतलब जितना तरह का जो भी दाल ये सब होता है, अगर हम लोग को उसका खेती करना होता है तो हम लोग को उसके लिए जरूरी होता है लोमी सोइल का। लोमी सोइल जो होता है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है और इसके साथ ही साथ इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ह्यूमस भी होता है। कॉटन, अगर हम लोग को रुई का खेती करना हो, कॉटन का खेती करना हो तो उसके लिए हम लोग को जरूरत होगा सैंडी लोम, जिसको कि हम लोग लोमी सोइल भी कहते हैं। ओके, तो या तो आप लोग सैंडी लोम का यूज कर सकते हो या तो लोमी सोइल का यूज कर सकते हो कॉटन को उगाने में। आगे हम लोग देखते हैं द सोइल कैपेसिटी टू होल्ड वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ वेरियस क्रॉप्स। अगर हम लोग को अलग अलग फसल को उगाना है तो उसके लिए हम लोग का सोइल का कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि अब मान लो बात करते हैं वीट का, जैसे कि वीट हम लोग को उगाना है और इसके लिए हम लोग कोई दूसरा सोइल ले लिए जिसका की कैपेसिटी ज्यादा बिल्कुल नहीं है, तो क्या हम लोग का उस बेसिस पर क्या कभी हम लोग का वीट अच्छे से उग पाएगा? बिल्कुल नहीं। वीट के लिए हम लोग को वैसा सोइल का जरूरत है जिसका की वॉटर का होल्ड करने का कैपेसिटी बहुत ज्यादा होना चाहिए, और अगर हम लोग कोई ऐसा सोइल ले लें जिसको की कैपेसिटी ही नहीं है तो क्या हम लोग कभी भी वीट को उगा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए वीट के लिए क्ले और लोमी सोइल ही जरूरत होता है। तो इस तरह से हम लोग को जिस भी तरह का क्रॉप्स को उगाना होता है, जिस भी फसल का खेती करना होता है, उसके लिए हम लोग को सोइल का कैपेसिटी को देखना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और अगर हम लोग क्रॉप्स की बात करें तो क्रॉप्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं खरीफ क्रॉप्स और एक होते हैं रबी क्रॉप्स। ये सब का नॉलेज आप लोग को होना चाहिए। तो थोड़ा सा ये शॉर्ट डिटेल है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। खरीफ क्रॉप्स, क्रॉप्स दैट आर शो इन रेनी सीजन, वो क्रॉप्स जो कि बरसात के दिनों में लगाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। जैसे कि बरसात के दिनों में मतलब क्या, जून से सितंबर के बीच में जो लगाया जाता है, एग्जाम्पल हो गया सोयाबीन, पैडी, मेज। तो ये सब सोयाबीन, पैडी, मेज ये सब जो होता है वो जून से सितंबर में, मतलब कि रेनी सीजन में उगाया जाता है। इसलिए ये सब को हम लोग क्या कहते हैं, सोयाबीन हो गया या मेज हो गया, ये सब को हम लोग कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स, क्रॉप्स दैट आर ग्रोन ड्यूरिंग विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च, और वो क्रॉप्स जो कि हम लोग का ठंड के दिनों में सर्दी के सीजन में उगाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं रबी क्रॉप्स, जो कि अक्टूबर से मार्च के बीच में, क्योंकि इन महीना में बहुत ज्यादा ठंडा रहता है तो इसलिए इस मंथ में अक्टूबर से मार्च में जो भी फसल उगाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं रबी क्रॉप्स। वीट, ग्राम, टी, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। तो हम लोग का जो ये टॉपिक था सोइल और क्रॉप्स, ये बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, ये बहुत ही ज्यादा छोटा टॉपिक था।
कुछ नहीं पढ़ना है और छोटा सा एक डिटेल था सोइल इरोजन का। कि सोइल इरोजन किसको कहते हैं? तो जब भी मिट्टी का ऊपर वाला लेयर हट जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं सोइल इरोजन। क्योंकि अभी इसका बहुत ज्यादा डिटेल्स आप लोगों को नहीं पढ़ना था, बस आप लोगों को थोड़ा सा इसका डिटेल्स लेना था, तो इतना आप लोगों के लिए काफी है। तो इस वाले टॉपिक में हम लोगों को इससे ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ना था। आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर मेरा आप लोगों को कोई भी क्लास 6 का क्लास 7 का वीडियो चाहिए होगा तो मेरे प्लेलिस्ट पे है। शॉर्ट्स चाहिए होगा वो मेरे प्लेलिस्ट में। इंस्टाग्राम में वीडियो चाहिए होगा तो वो मेरे प्लेलिस्ट में। चलो वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। बाय। टेक केयर।